यूरोप में नाइजीरियाई माफिया फैल रहा है। मानव तस्करी उनकी आय का मुख्य स्रोत है और हजारों युवा नाइजीरियाई महिलाएं इस गिरोह का शिकार हो रही हैं। मेरे पास एक वीडियो है, अगर मैं आपको वो वीडियो दिखाऊं तो आप रो पड़ेंगे। माफिया के गढ़ों में से एक दक्षिणी इटली में कास्टेल वोल्टुर्नो है। यहाँ नाइजीरियाई गिरोह पूरे इलाके को नियंत्रण में रखते हैं। वे लड़कियों को पीटते हैं, न खाना देते हैं न पानी। वे उन्हें कई दिनों तक कमरे में बंद कर देते हैं। वे उन पर काबू पा लेते हैं। जब जूलियट ओसाबो चैन और शांति चाहती हैं, वो समुद्र तट पर आ जाती हैं। चार साल पहले एक बचाव दल वाली नाव उन्हें यहाँ से कुछ ही दूर इटली के दक्षिणी तट पर लाई थी। वो एक नाइजीरियाई महिला है जिनका नाम हमने बदला है। जब वो यहाँ पहुँची तब तक हफ्ते भर लंबी यात्रा कर चुकी थी। उन्होंने पहले ट्रक से सहारा पार किया, फिर नाव से भूमध्य सागर के पार पहुँची। वहाँ कोई उम्मीद नहीं थी। नाइजीरिया में जो स्थिति है उसमें युवाओं का कोई भविष्य नहीं दिखता, इसलिए मैंने ये कदम उठाया और देखना चाहा कि क्या हो सकता है। जूलियट लीबिया तक पहुंच चुकी थी जब चीजें अचानक बिगड़ गईं। युद्धग्रस्त उत्तरी अफ्रीकी देश में उनका और अन्य प्रवासियों का अपराधियों ने अपहरण कर लिया। वे जिस महिला का चाहते बलात्कार करते। वे रात में आते, किसी को जगाते, अरे तुम उठो। अगली सुबह वे महिलाओं को वापस लाते। जब वे वापस आती तो रोने लगती। वो बताती कि रात भर अलग अलग आदमियों ने उनके साथ रेप किया। ये मेरे लिए भयानक था। जूलियट का दुःस्वप्न इटली पहुंचने पर भी समाप्त नहीं हुआ। तब 23 साल की जूलियट नाइजीरियाई मानव तस्करों के चंगुल में फंस गई। हाल के वर्षों में नाइजीरियाई आपराधिक समूह इटली में तेजी से फैले हैं। इटली के दक्षिण में स्थित कास्टेल वोल्टुर्नो इसकी प्रमुख जगहों में से एक है। 1970 के दशक में इतालवी माफिया ने इसे जहरीले कचरे के लिए अवैध डंपिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल किया था। जो लोग यहां से जा सकते थे चले गए। ये बात इसे नाइजीरियाई गिरोहों के पनपने का आदर्श जगह बनाती है। सबसे पहले उन्होंने ड्रग तस्करी की, फिर इंटरनेट फ्रॉड और मानव तस्करी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यूरोप पहुंचने वाली 80% तक नाइजीरियाई महिलाएं अब उनकी शिकार बन जाती हैं। अक्सर मदाम कही जाने वाली दलाल युवा महिलाओं के समूह को नियंत्रित और उनकी पूरी दिनचर्या निर्धारित करती है। उनके पीछे एक सुव्यवस्थित नेटवर्क है। गिरोह के सदस्य युवतियों को यूरोप ले जाते हैं। यदि कोई समस्या आती है तो वे फिर से लड़कियों का अपहरण कर लेते हैं और इन सब में हिंसा से नहीं कतराते। मदाम जो कहती है वे वही करते हैं। जैसे ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप इस लड़की को मेरे लिए अनुशासित करें। फिर वो लड़की को पीटते हैं और पूछते हैं क्या तुम उसे पैसे देने को तैयार हो या नहीं। अगर लड़कियाँ कहती हैं नहीं, मैं थक गई हूँ, मैं अब ये काम नहीं कर सकती, तो वे लड़की को पीटते रहते हैं, न खाना न पानी। वे लड़की को कई दिनों तक कमरे में बंद रखते हैं। वे उस पर काबू कर लेते हैं। वे क्रूर हैं। रोम के मुख्य रेलवे स्टेशन पर हम डेविड से मिलते हैं। हालांकि ये उसका असली नाम नहीं है, वो इटली छोड़ने की तैयारी कर रहा है। सालों तक डेविड खुद कास्टेल वोल्टुर्नो में नाइजीरियाई माफिया का सक्रिय सदस्य था। एक सेक्स वर्कर महिला की हत्या होते देख उसने वो काम छोड़ दिया। तब से उसे ये डर लगातार लगा रहता है कि वे लोग बदला लेंगे। उन्होंने मेरा घर जला दिया। उन्हें लगा कि मैं घर के अंदर हूँ। वे चाहते थे कि मैं मर जाऊँ, लेकिन ईश्वर की कृपा से मुझे भागने का मौका मिल गया। डेविड हमें आपराधिक गिरोहों के बारे में दुर्लभ जानकारियां देता है। बिजनेस मॉडल आसान है, युवा महिलाओं की तकलीफ के दम पर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बनाना। संगठन का उद्देश्य पैसा है। अगर कोई लड़की गर्भवती है तो उसका गर्भपात करा देते हैं। अगर लड़की बच गई तो बच गई, अगर वो मर गई तो मर गई, उन्हें परवाह नहीं है। युवतियों को अपनी दिन की सारी कमाई उन्हें सौंपनी पड़ती है। जानकारों का अनुमान है कि नाइजीरियाई गिरोह हर साल इस तरह दसियों करोड़ यूरो कमाते हैं। अगर लड़की आती है और पैसे नहीं देती तो उसे बाहर भी किया जा सकता है।
मैंने कुछ ऐसा देखा जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। पहले वे आदमी के टुकड़े टुकड़े करते हैं, फिर वे इसे पैक करते हैं। जैसे अगर हम 10 लोग हैं जिन्हें शव का पता है, तो आप 1 किलो ढोते हैं, मैं 1 किलो ढोता हूँ, वो 1 किलो ढोता है। और हर कोई उसे जंगल या कहीं भी फेंक आता है। आप उस आदमी को कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। वो व्यक्ति अब लापता है, बस गायब हो गया। जूलियट तस्करों के चंगुल से भागने में सफल रही और उसने प्रवासी महिलाओं के एक आश्रय स्थल में शरण ली। अब उनका अपना अपार्टमेंट है, लेकिन वो अक्सर यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलने जाती हैं। वो उनकी आभारी हैं, लेकिन कई निवासियों से निराश हैं। वो कहती हैं कि खासकर यहाँ लोगों को एकजुट रहना चाहिए, लेकिन इस परिस्थिति ने लोगों का उत्साह मार दिया है। जब वे आपकी प्रगति देखते हैं और चीजें उनके लिए ठीक नहीं चल रही होती, तो वे हमेशा आपको गिराने का रास्ता खोजते हैं, और आप दूसरों को नीचे गिराकर खुद ऊपर नहीं उठ सकते। इस समय 13 महिलाएं और बच्चे शेल्टर में रह रहे हैं। समन्वयक सबरीना यूसुफी अभी एक नई लड़की के आने की तैयारी कर रही हैं। एक अन्य युवा नाइजीरियाई महिला शाम में आने वाली हैं। सबरीना ने सैकड़ों को आते जाते देखा है। कभी कभी वे केवल कुछ रातें ही रुकती हैं। कभी कभी तस्कर गेट के ठीक बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य महिलाओं को डराना और उन्हें वापस सड़कों पर भेजना होता है। यहाँ रह रहे लोग कैद नहीं हैं, वे जा सकते हैं। इसलिए उन्हें यह समझाने के लिए कि क्या हो रहा है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सुनो, हो सकता है कि आपको वेश्या या घरेलू नौकर बनने को कहा जाए। ये मुफ्त नहीं होगा, वे आपसे कुछ हिस्सा मांगेंगे। लेकिन लीबिया या अन्य जगहों पर हुए तमाम खराब अनुभवों के बाद उनका इतना ब्रेन वॉश हो चुका होता है कि वे आपकी बात भी नहीं सुन पाती। सबरीना का कहना है कि लड़कियों पर जो दबाव है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। महामारी के चरम पर भी, देश में लॉकडाउन लगा होने पर भी ये शोषण जारी रहा। वे अकल्पनीय दिन थे। गेट बंद होने पर भी उन्हें किसी तरह बाहर जाने को मजबूर किया जाता है, तो वे दीवारें फांद कर जाती थीं, क्योंकि उन्हें अभी भी वेश्या बनना था। जो कर रही थी उसे जारी रखना था, और मदाम को जो पैसे वापस करने थे उनमें इन 2 महीनों की वजह से जो देरी हुई थी वह उनके लिए परेशान करने वाली थी। तस्करों का तरीका हमेशा लगभग एक सा होता है। उनके नेटवर्क सीमाओं के दोनों तरफ काम करते हैं। लड़कियों को उनके देश में सुनहरे वादों के साथ यूरोप जाने का लालच दिया जाता है। रेगिस्तान और समुद्र के पार की लंबी यात्रा के लिए पैसे भी दिए जाते हैं। एक बार जब वे यूरोप पहुंच जाती हैं, तो उन्हें बताया जाता है कि उन पर अब 40,000 यूरो या उससे ज्यादा कर्ज है, और ये कि उन्हें तब तक शांति नहीं मिल पाएगी जब तक वे पाई पाई चुकता नहीं कर देती। सर्जो नत्जारो इतालवी संसद के एंटी माफिया आयोग के सलाहकार हैं। वो संगठित नाइजीरियाई अपराध के विशेषज्ञ हैं। इन दिनों सरकार ऐसे समूहों को घरेलू माफिया संगठनों की तरह देख रही है। हाँ, वे माफिया हैं। ये कोड लॉ 416B के तहत आता है। उनके पास माफिया जैसी संरचना है। चुप्पी, हिंसा, धमकी, मनोवैज्ञानिक दबाव, बदला वगैरह वगैरह, वे पूरे इटली में फैल रहे हैं। हमारे पास कई अलग अलग समूह हैं और वे जुड़े हुए हैं। मेरे हिसाब से ये एक बड़ा मुद्दा है। माफिया का खात्मा करने वाले नज़ारो कास्तेल वॉल तुरनो के नज़दीक से आते हैं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से नाइजीरियाई गिरोहों को उभरते देखा है। हम उनसे शहर के बाहर एक ऐसी जगह मिलते हैं जिसका असल मालिक एक इतालवी माफिया घराना था। न्यायपालिका ने संपत्ति को जब्त कर इसे एक गैर लाभकारी संघ में बदल दिया। नज़ारो का कहना है कि उन्होंने जानबूझकर ये जगह बैठक के लिए चुनी ताकि ये दिखे कि इतालवी अंडरवर्ल्ड की लगाम किसके हाथ में है। नाइजीरियाई माफिया खतरनाक हैं। वे ड्रग्स, वैश्यवृत्ति, इंटरनेट स्कैम, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी सब करते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था या इसके कई हिस्से कौन नियंत्रित करता है? लोक प्रशासन में और राजनीतिक स्तर पर कौन है? ये इतालवी माफिया है।
तो कौन ज्यादा खतरनाक हुआ? वे सामने दिख रहे हैं और ये इतालवी माफिया की एक रणनीतिक योजना है। चलो इस अपराध को आउटसोर्स करते हैं। वे बुरे लोग हैं, वे सड़कों पर हैं, हम अदृश्य हैं, क्योंकि माफिया का मुख्य लक्ष्य शांति से रहना है। नाइजीरियाई माफिया भी अलग अलग तथाकथित गोपनीय समाजों में बटे हुए हैं और डेविड के अनुसार उनमें से कई पूरे यूरोप में फैल रहे हैं। उनमें एक बात समान है, अत्यधिक क्रूरता। डेविड अभी भी उन सदस्यों के संपर्क में है और नियमित रूप से उनके बारे में जानकारी रखते हैं। मेरे पास एक वीडियो है, अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा तो आप रो पड़ेंगे। इस बच्ची के साथ ये हुआ कि उसे वैश्यावृत्ति करनी पड़ी। जब उसने इनकार किया तो उसे तड़पा तड़पा कर मारा गया। वीडियो इतना भयानक है कि हम इसे पूरा नहीं दिखा सकते। यातना देने वालों को शायद कभी न्याय का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन के लिए उनमें से ज्यादातर महिलाओं का कोई अस्तित्व ही नहीं है। उनमें से ज्यादातर कहीं है ही नहीं, वे पंजीकृत नहीं हैं, उनके बारे में कोई नहीं जानता, सरकार को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। वे यहाँ बिना दस्तावेजों के हैं, बिना किसी चीज के। इसलिए यदि वे मर जाती हैं तो भी सरकार के लिए जानना बहुत मुश्किल होता है कि कोई व्यक्ति लापता है। जूलियट के पास अब रेजिडेंस परमिट है और वो एक रेस्तरां में काम करती हैं। फिर भी अब भी जब वो बाहर निकलती हैं तो महसूस करती हैं कि मर्द उन्हें परेशान कर रहे हैं। They are disgusting. Oh my God. वे घिनौने हैं, हे भगवान, भयानक। जो चीज मुझे सच में गुस्सा दिलाती है वो है उनका पैसा निकालना। जैसे 20 यूरो निकाल लेंगे, ये 20 यूरो क्यों? क्या मैं बगीचे में शांति से बैठ नहीं सकती? क्या तुम काम करती हो या फिर मेरे साथ सोओगी? मुझे ये घृणा से भर देता है। जब तक सस्ते सेक्स की मांग है, ये गिरोह जूलियट जैसी युवतियों की यातना का व्यापार जारी रखेंगे।